हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना जो आयुष्मान कार्ड है वो किस तरह से बनाएं। इसके अंदर आपको आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना कंपलसरी नहीं है, बिना लिंक हुए भी आप बना सकते हैं। आपको किसी भी आयुष्मान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी आयुष्मान मित्र से मिलने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और वहां से आपकी जो फेस है, आपकी जो सकल है, आपका जो चेहरा है उसको दिखाना है, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपका आयुष्मान कार्ड वहां से बन जाएगा। उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे आयुष्मान भारत का एक एप्लीकेशन है, उसको सर्च करके डाउनलोड करना है। ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, यहां से इसको जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने ये डाउनलोड हो जाता है। जब तक डाउनलोड होता है तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और डाउनलोड होने के बाद सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन होने के बाद ये सिंपली अपने से कुछ परमिशंस मांगे जिसको आपको अलाउ करना है। इसके बाद आपके सामने इसकी जो डिटेल्स है वो आपको बताई जाएगी, उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें ओपन हो जाएगा। तो आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे इसको ऑपरेटर आईडी पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप ऑपरेटर आईडी को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी को रिसीव होने में 50 सेकंड का टाइम लग सकता है। जैसे ही आता है उसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या 4 डिजिट का कुछ भी आपका पिन नंबर सेट करना है और वही पिन नंबर नीचे कन्फर्मेशन की जगह सेट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ से आप देखिए सर्च बाय विलेज एंड टाउन का ऑप्शन है, यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। उसके नीचे देखिए कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया और कार्ड डिलीवरी का ऑप्शन भी दिया गया। तो यहाँ से आप कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट आप पीवीसी कार्ड घर मंगवा सकते हैं। तो आप सिंपली अपने को सर्च बाय विलेज या टाउन के ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है आप अर्बन एरिया से या रूरल एरिया से। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। वो अभी तक गवर्नमेंट ने सभी स्टेट को यहाँ पे अप्रूव नहीं किया, धीरे धीरे सबको इसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। अभी तक कुछ एक स्टेट को किया है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें से आपका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे सिंपली उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक का ऑप्शन देना है वहाँ पर। उसके बाद सिंपली नीचे आपके गाँव का ऑप्शन यहाँ पर विलेज का या सिटी का देना है। उसके बाद जैसे आप व्यू लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे उस एरिया के अंदर जो ब्लॉक आपने सर्च किया, जिस गांव को आपने सेलेक्ट किया, वहाँ पे जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जिनका बना हुआ है वहाँ से डायरेक्टली डिलीवरी या डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जिनका बनना बाकी है उनका ऑथेंटिकेट का ऑप्शन ब्लू कलर में आएगा और जिनका अभी तक नहीं बना है वो ग्रे कलर में आपको यहाँ पर सिम्बल्स दिखाई गए हैं। तो अब आपका अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया तो आप ग्रे कलर में आपका जो आईडी डिटेल आएगी उसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ से। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है सारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली इसमें अपलोड है। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर है आपको एंटर करके, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का किस टाइप से करवाना चाहते हैं, आप मोबाइल की ओटीपी से करवाना चाहते हैं या आपके चेहरे की फ़ोटो खींच के, तो सिंपली यहाँ पे फेस को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि एक नई एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें। तो जैसे ही आप उसको यस करेंगे तो आप इस तरह से आधार फेस आरडी नाम की एक एप्लीकेशन है उसके इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाती है आप वापस से उसी एप्लीकेशन पर आना है पहले वाली पर, और वहाँ से इसको यस सबमिट करेंगे। तो आपकी जो आरडी वाली एप्लीकेशन अभी आपने डाउनलोड किया उसके ऊपर आपके सामने कुछ इस तरह के परमिशन लेने के बाद इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको बताया गया कि किस तरह से आपका फेस आपको रखना है और सिंपली आई एग्री करके प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो चालू हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपके फेस को एकदम सामने स्ट्रेट रखना है और आपका जो फेस सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपली इसके बाद आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बन के रेडी हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, बैक आके कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको वापस से इसमें आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी जो आधार नंबर की आईडी है
वो उसको सिलेक्ट करना है आधार नंबर को, और यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे जो ऑथेंटिकेशन टाइप है वहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपने मोबाइल का ओटीपी लिंक है तो मोबाइल ओटीपी सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज फेस को सिलेक्ट करके और फेस ऑथेंटिकेशन को सेलेक्ट करें, सबमिट करेंगे। जैसे ही रेड बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन पे गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ एक स्टेट को ऐड किया है, कुछ एक को करना बाकी है जो कि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। तो यहाँ पर जो अपन ने जो ऑपरेटर आईडी डाली है वो किस तरह से बनानी है, तो सिंपली आपको setu.pmjay पर जाना है। तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन दिखाई देगा इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर योर सेल्फ एंड रिसर्च बायोमेट्रिक के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एज ए सेल्फ यूज़र का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से अपनी डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद सिंपली आपको आपके आधार कार्ड की EKYC यहाँ से कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपका जो ऑपरेटर आईडी है वो कम्प्लीटली बन चुका है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सके। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो याद करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।